हाय दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है एक्सपेंशन टैंक साइजिंग। एक्सपेंशन टैंक का साइज हम लोग किस तरह फाइंड आउट करते हैं, आज हम इसके बारे में देखेंगे। तो इसके लिए जो है हमारे पास एसरे का एक फॉर्मूला दिया हुआ है कि अगर आपको कभी भी एक्सपेंशन टैंक का साइज फाइंड आउट करना हो तो आप इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। तो आखिर वो फॉर्मूला क्या है, हम इसको देख लेते हैं। फॉर्मूला फॉर एक्सपेंशन टैंक इक्वल टू, क्या है फॉर्मूला, बीटी इक्वल टू वी एस इंटू वी टू बाई वी वन माइनस वन, ठीक है, माइनस थ्री अल्फा डेल्टा टी बाय वन माइनस पी वन बाय पी टू, ठीक है। अब इस फॉर्मूले से जो है हम लोग एक्सपेंशन टैंक का साइज फाइंड आउट करेंगे। तो आखिर यहाँ पर जो है ये वी एस और वी टू और वी वन और अल्फा ये सब की वैल्यू किस तरह हम लोग फाइंड आउट करेंगे, हम लोग इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर वी एस बोलने का मकसद है मेरा, वी एस इक्वल टू क्या होता है, गैलन, गैलन, ठीक है। अब गैलन क्या, कौन सा गैलन भाई, तो इसके लिए जो है जितने भी हमारे पास पाइप है या फिर यूनिट मैंने सेट किया है, इन सारे में जितना भी वाटर फ्लो हो रहा है इन सबको ऐड करके हम लोग इसी को गैलन बोलते हैं। तो क्या लिखना है यहाँ पर, टोटल सिस्टम वॉल्यूम एज पर अटैच फाइल, ठीक है। मतलब जितना भी यूनिट है और या फिर पाइप है, इन सब में जो भी वाटर यूज हो रहा है इन सबको हम लोग ऐड करके यहाँ पर डालते हैं। टोटल जो ऐड करेंगे उसकी जो वैल्यू वो मेरा वी एस होगा। तो उसको हम लोग किस तरह फाइंड आउट करेंगे ये हम लोग आगे देखेंगे। अभी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि आखिर ये वी वन और वी टू है क्या। तो वी वन इक्वल टू 0.01602 फीट क्यूब बाय एल बी, ठीक है। अब ये कहां से आया, ये जो है एसरे के बुक में दिया हुआ है कि अगर आप कभी भी एक्सपेंशन टैंक का साइज फाइंड आउट करते हैं तो आपको ये वी वन और वी टू लेना होगा। तो वी टू क्या लेना होगा, 0.01615 फीट क्यू बाई एल बी, ठीक है। ये मेरे पास वी वन और वी टू हो गया। अब यहाँ पर क्या है, थ्री अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू अब हमको फाइंड आउट करनी है। तो आखिर ये अल्फा क्या है, अल्फा की जो वैल्यू है 6.5 × 10⁻⁶ इंचेस बाई इंचेस डिग्री फेरनहाइट। अब ये मैंने अल्फा का वैल्यू कहाँ से लिखा, तो ये भी जो है एसरे के बुक में दिया होता है। इसका जो वैल्यू है अल्फा का वो हमेशा चेंज होता रहता है। किस बेसिस पे चेंज होता है, ये आपके पाइप के बेसिस पे चेंज होगा। अगर आप स्टील के पाइप यूज कर रहे हैं तो आपको अल्फा का वैल्यू इतना लेना है, ठीक है। अगर आप प्लास्टिक की पाइप या फिर बाकी किसी भी चीज की स्टील की पाइप जो भी पाइप यूज कर रहे हैं तो उसके लिए फिर अल्फा का वैल्यू चेंज हो जाएगा। इसके लिए आप कहाँ से उसको देख सकते हैं, एसरे 2000 हैंडबुक के चैप्टर नंबर 12 में जाकर देख सकते हैं कि आखिर इसका जो है हम अपना जो पाइप है कौन सा लिए हैं तो अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा। इसके बाद क्या है हमारे पास, डेल्टा टी। तो आइए अब हम लोग डेल्टा टी के बारे में देख लेते हैं। तो ये मेरा डेल्टा टी इक्वल टू क्या हो जाता है, टी टू माइनस टी वन। अब यहाँ पर क्या है कि टी वन क्या है, टी वन मेरा जो है चिल्ड वाटर सप्लाई है, सप्लाई टेम्परेचर, ठीक है। ये टी वन मेरा जो है चिल्ड वाटर सप्लाई टेम्परेचर है। और टी टू क्या है मेरा, टी टू इक्वल टू एम्बिएंट टेम्परेचर, ठीक है। तो मेरा जो टी वन है वो चिल्ड वाटर से कितना सप्लाई होता है, हमेशा चिलर से 45 फ़ारेनहाइट नहीं निकलता है। इसके बाद हम अभी जिस जगह पे रह रहे हैं यहाँ का जो है एम्बिएंट टेम्परेचर वो है 106, ठीक है। तो मेरा डेल्टा टी कितना हो जाएगा, 106 माइनस 45 इक्वल टू हो जाएगा मेरा 61। तो अब जो है हम लोग डेल्टा का भी वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। अब हमको निकालना है पी वन और पी टू का वैल्यू, आखिर ये पी वन और पी टू है क्या, अब वो देख लेते हैं। तो पी वन की जो वैल्यू है ये भी एसरे के बुक में दिया हुआ है, 24.7 हमको लेना है, ठीक है, पी वन। और पी टू क्या लेना है, पी टू इक्वल टू हेडर प्राइमरी पंप और सेकेंडरी पंप का, ठीक है, प्राइमरी पंप और सेकेंडरी पंप का हेडर और इंटू 0.4335, ठीक है। इसके बाद फिर प्लस 14.7,
तो ये हो गया आपको फॉर्मूला P2 का। P2 निकालने के लिए हमको सबसे पहले प्राइमरी पंप और सेकेंडरी पंप का हेडर नोट करना है, इसके बाद इनटू 0.4335 फिर प्लस 14.7। ठीक है, तो इस फॉर्मूले पे जो है अगर हम अपना हेडर पुट करते हैं प्राइमरी पंप और सेकेंडरी पंप का, तो मेरा जो है कितना था हेडर 44.44। ठीक है, आपका जितना भी हेडर होगा आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं, उसके बाद 0.4335, तो ये हेडर इनटू फिर प्लस 40.7। ठीक है, अब हम इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 33.9 PSI। ठीक है, तो P2 जो है मेरा वो 33.9 PSI आ गया। यहाँ पर P1 में जो है PSI में फाइंड आउट होगा। ठीक है, तो अब इसमें जो है किस चीज की वैल्यू हमको निकालनी रह गई, P2 की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर लिया, P1 की वैल्यू भी फाइंड आउट हो चुका है। यहाँ पर देखिए P1 और P2 की वैल्यू हो चुकी है, डेल्टा टी और अल्फा का भी हो गया, B1 और B2 भी हो चुका है। अब मेरे पास जो है बच गया वो VS। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि VS का वैल्यू किस तरह जो है फाइंड आउट करते हैं और किस तरह सारे वाटर को हम लोग ऐड करते हैं, तो आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो है एक चार्ट बनाया है, या फिर कह सकते हैं आप इसको मैंने एक टेबल बनाया है, जिसमें जो है जितना भी मैंने पाइप अपने प्रोजेक्ट में यूज किया है, जो जो इंचेस का, मैंने वो सारे पाइप का नाम यहाँ पर डाल दिया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए पाइप साइजिंग मैंने जो भी आपका जितना भी आप जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें आपने जितना इंचेस का पाइप जो भी यूज किया है उन सारे को यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद गैलन पर फिट, ये जो है गैलन पर फिट जो है एसरे के बुक में दिया होता है। तो आखिर ये है क्या गैलन पर फिट, वो मैं आपको समझाता हूँ। गैलन पर फिट बोलने का मतलब है कि एक फिट में कितना गैलन वाटर होगा। ठीक है, एक फिट में कितना गैलन वाटर होगा, तो यहाँ पर 3x4 इंचेस की पाइप में 0.0277 इंचेस गैलन पर फीट वाटर हो रहता है। ठीक है, अब एक इंचेस के पाइप में जो है 0.0449 होता है। तो इसी तरह से जो है मैंने अपने सारे प्रोजेक्ट में जो भी पाइप यूज किया था और उसका जो है गैलन पर फीट नोट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है पाइप की लेंथ फीट में, अब यहाँ पर क्या है 3x4 इंचेस की जो है मेरा पाइप, उसके जो है कितनी लेंथ की जो है पाइप मैंने यूज किया वो यहाँ पर नोट करना है। तो मैंने 30 किया था, तो 30 आपका जितना भी होगा आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अब जो है यहाँ पर टोटल गैलन, तो अब जाहिर सी बात है एक फीट में जब इतना है 0.0277, तो 30 फीट में कितना होगा, तो हम इस दोनों को इंटू करा देंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 0.8। तो इसी तरह से जो है हम लोग सारे का निकालेंगे। तो एक इंच के पाइप का भी देख लेते हैं, तो मेरे पास जो है एक इंच के पाइप में 0.04491 फीट पे होगा। ठीक है, तो मेरे पास एक इंच का टोटल कितना पाइप है 60। ठीक है, 60 फीट का मेरे पास पाइप है, तो अब हम इस दोनों को 60 से इंटू कराएंगे तो कितना हो जाएगा 2.7। मतलब कहने का कि 60 फीट की पाइप में मेरे पास 2.7 गैलन वाटर रहेगा। ठीक है, अब फिर यहाँ पर 11x4, तो इसी तरीके से जो है हम लोग इसको टोटल भर के और इसका कैलकुलेशन कर लेंगे जो है टोटल गैलन का, तो मेरे पास पाइप की टोटल गैलन मालूम चल जाएगी। तो देखिए मैंने जो है इन सब में अपना वैल्यू जो है प्रोजेक्ट का पुट करके और इसका जो है टोटल सम कर लिया, ये जो है इस टोटल गैलन को मैंने ऐड कर लिया, तो टोटल मेरे पास कितना गैलन का आ गया 1263 गैलन, मतलब 12063 गैलन जो है मेरा टोटल पाइप में वाटर होगा। अब हमको जो है यूनिट में कितना वाटर होगा इसको फाइंड आउट कर लेना है, तो हम उसको किस तरह फाइंड आउट करेंगे वो देख लेते हैं। तो देखिए अब यूनिट जो है हम कौन कौन सा यूनिट लगा रहे हैं, मैंने यहाँ पर यूनिट लिखा और उस यूनिट का नाम लिखा, मैं जो AHU1 और AHU2 और AHU3 और AHU4, मतलब मैं 4 AHU लगा रहा हूँ अपने प्रोजेक्ट में और FHU1 और FHU2 ये सेट कर रहा हूँ। इसमें जो है कितना CFM फ्लो हो रहा है, मतलब AHU1 जो है कितना CFM फ्लो कर रहा है ये मैंने नोट किया। इसके बाद वेलोसिटी जो है FPM में मैंने वो नोट कर दिया, का जो है 500 होता है, मैंने भी 500 ले लिया। अब यहाँ पर क्या इसका फाइंड आउट करना है हमको फेस एरिया। अब जो है फेस एरिया किस तरह फाइंड आउट होता है वो मैं आपको बताता हूँ। फेस एरिया निकालने के लिए हमको Q/V करना पड़ता है, मतलब जितना फ्लो और उसका जो वॉल्यूम है उसको डिवाइड करना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पर Q भी दे रखा है और V, तो इस दोनों को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो मेरा फेस एरिया जो है फीट स्क्वायर में फाइंड आउट हो जाएगा। तो मैं जब 9000 और 500 को डिवाइड करता हूँ तो 80 मेरे पास आ जाता है। इसके बाद जब मैं 2240 को डिवाइड करता हूँ 5000 से तो मेरे पास 4.48 जो है फीट में फेस एरिया फाइंड आउट हो जाता है। अब जो है हम इस दोनों को, तो अब जो है हम इसको जो है मीटर स्क्वायर में अगर चेंज करते हैं फेस एरिया को, तो 80 को अगर हम मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे कितना हो जाएगा 1.67। इसके बाद अगर मैं 4.48 को मीटर स्क्वायर में चेंज करूं तो कितना हो जाएगा 0.42। अब जो है यहाँ पर वाटर कंटेंट, तो ये वाटर कंटेंट क्या है
इसको हम लोग किस तरह फाइंड आउट करते हैं वो देख लीजिए, फेस एरिया मीटर स्क्वायर में, ठीक है, फेस एरिया मीटर स्क्वायर इंटू नंबर ऑफ रोज इंटू 7। तो अब यहाँ पर क्या 7 वैल्यू है, नंबर ऑफ रोज कितने होते हैं 4, तो ये 4 हो गया। अब फेस एरिया मीटर स्क्वायर में मैंने यहाँ पर फाइंड आउट कर चुका हूँ। तो अब जो है इसको और बाई इस फॉर्मूले पे अगर हम पुट करते हैं तो हमारे पास वाटर कॉन्टेंट निकल जाएगा। तो मैंने इस वैल्यू को इस फॉर्मूले पे पुट किया तो मेरे पास वाटर कॉन्टेंट कितना निकल गया 12.4, अब इसका कितना हो गया 3.1। तो इसी तरह से जो है सारे को वैल्यू पुट करके और इसका जो है सम हम लोग कर लेंगे। तो मेरे प्रोजेक्ट का जो है मैंने सारा टोटल करके सम किया था, वो कितना था 40.12 गैलन, ठीक है। तो ये मेरा जो है यूनिट में इतना गैलन लग रहा है, पाइप का हो चुका था, यूनिट का हो चुका है। अब जो है चिलर और एफसीयू में कितना लग रहा है ये सबको हम लोग एक साथ ऐड कर लेंगे तो मेरा वीएस फाइंड आउट हो जाएगा। तो आइए हम लोग वो देख लेते हैं कि किस तरह से ऐड किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए टोटल जो है पाइप में कितना लगा था, पाइप गैलन मेरा आया था 12,063 और एफसीयू और एचयू में कितना आया था, एचयू एंड एफएचयू कितना आया था इसमें यहाँ पर 34.12। इसके बाद जो है चिलर, अब चिलर में कितना, एक चिलर में कितना गैलन वाटर होता है आपको पता है 55, और मैं यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट में 4 यूज कर रहा हूँ, 4 चिलर। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ चिलर इज इक्वल टू 55 × 4। 1 चिलर में 55, 4 चिलर में कितना हो जाएगा 220, ठीक है। इसके बाद क्या है मेरे पास एफ सी यू में जो है 1 गैलन होता है, ठीक है, एक एफसीयू में 1 गैलन वाटर होता है। तो मेरे पास कितना एफसीयू मैंने अपने प्रोजेक्ट में लगाया था 74, तो मेरा कितना हो जाएगा 74। अब जो है मैं इन सबको ऐड करता हूं, इन सबको अगर मैं ऐड करता हूं तो कितना हो जाएगा मेरे पास 74 को इन सबको ऐड कर देता हूं मैं तो 3450 91.1, ठीक है, गैलन। तो मेरे पास टोटल गैलन फाइंड आउट हो चुका है। अब जो है इसमें जो है हम लोग थोड़ा सा सेफ्टी फैक्टर यूज करते हैं, ठीक है। तो सेफ्टी फैक्टर कितना लेते हैं तो 20% लेते हैं, तो 1591 का सेफ्टी फैक्टर 20% कितना हो जाएगा मेरा 318.2। 318 को हम लोग इसमें फिर ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा मेरा 909 हो जाएगा, ठीक है। तो 0.3 ये जो है मेरा टोटल वीएस फाइंड आउट हो चुका है। तो अब आपके पास सारा वैल्यू है और फॉर्मूला भी मालूम है, बस आपको उस फॉर्मूले पे पुट करना है और जो है एक्सपेंशन टैंक का साइज फाइंड आउट कर लेना है। तो आइए किस तरह हम लोग पुट करते हैं वो भी देख लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, वीटी इक्वल टू वीएस अभी हम लोग ने फाइंड आउट किया कितना था 1909, और इसके बाद वी वन कितना था मेरे पास 0.01615/0.01602, V1 और V2 का वैल्यू -1, ये हो गया। इसके बाद क्या था -3 अल्फा, अल्फा का कितना वैल्यू था 6.5 × 10⁻⁶, इसके बाद इंटू डेल्टा टी कितना आया था मेरा 61/1 − P1, P1 कितना आया है मेरा 24.7/33.9। इसको जो है अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा 57 गैलन, ठीक है। तो 57 गैलन में भी जो है हम लोग कुछ सेफ्टी फैक्टर ऐड करते हैं, तो कितना सेफ्टी फैक्टर ऐड करेंगे 15%, तो 57 का 15% कितना हो जाएगा 8.6। अब जो है हम लोग इस दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल टैंक की साइज मालूम चल जाएगी, टैंक की साइज कितना हो जाएगा मेरा 65.6 गैलन, ठीक है। अब इतना गैलन जो है हमको, इतना गैलन का एक टैंक हमको बनाना है, कितना इसको अगर हम गैलन को लीटर में चेंज करेंगे तो 24 लीटर, मतलब 247.8 लीटर, मतलब इसको अप्रोक्सीमेट 248 लीटर की जो है हम लोग एक टैंक ले आएंगे और इसमें ऐड कर देंगे। तो इसी तरह से जो है हम लोग साइज फाइंड आउट करते हैं एक्सपेंशन टैंक की। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।